यूपी का बुरहानपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां हर्षवर्धन सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा भी हो गई है। मां दुर्गेश्वरी माता के पंडाल में इसकी घोषणा उन्होंने की है। विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज है और इसी के चलते अब वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान, जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और ऐसे में अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। मां दुर्गेश्वरी माता के पंडाल में उन्होंने ये घोषणा की। और देखिए, ऐसे में कहीं ना कहीं आप यहाँ के समीकरण जरूर बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं जो भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। और इसी कड़ी में अब नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान भी निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो नंदू चाहते हो, बहुत अच्छे वोटों से हम लोग जीत कर आने वाले हैं। पुनः आप सबसे एक निवेदन है, ये चुनाव मैं नहीं आप लोग लड़ने वाले हैं। हर व्यक्ति स्वयं हर्षवर्धन सिंह चौहान बनकर चुनाव लड़े और जितने मेरे बुजुर्ग हैं वरिष्ठ हैं वो नंदू भैया बनकर ये चुनाव लड़े। मेरा आप चाहते हो, बहुत अच्छे वोटों से हम लोग जी